अस्सलाम वालेकुम, मैं मसा फातिमा आज आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, मटन कढ़ाई मसाला बहुत इजी और आसान है। मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ आपको। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए देखिए, मैंने लिया 1 किलो मटन, और ये देख सकते हैं आप 3 टमाटे हैं, और ये 2 मीडियम साइज प्याज है, ये 1/4 चम्मच देख सकते हैं आप। मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है, और यह है 2 बड़े चम्मच तेल, और ये देख सकते हैं आप 1 तेज पत्ता है, 1/2 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 2 इलायची, 1/4 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1/2 चम्मच ये है कढ़ाई मसाला। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊँगी। मटन कढ़ाई मसाला है ये, और ये बहुत इजी है बनाना। और एक चीज़ आप चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई मसाला में भी डाल सकते हैं, चिकन कढ़ाई में भी डाल सकते हैं ये, और बीट में भी अगर आप बनाएं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं ये मसाला। मटन की किसी भी रेसिपी में आप डाल सकते हैं ये। और मैं लूँगी ये हरा धनिया। चलिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। प्याज को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, और टमाटों को भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। अगर आप टमाटे नहीं डाले तो टमाटे प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें पहले तेल ऐड करूँगी, फिर इसमें तेज पत्ता ऐड करूँगी, ज़ीरा, ये देखिए 2 इलायची। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, अब हम इसमें डालेंगे मटन, अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, प्याज देखिए आप मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, मीडियम ब्राउन किया है देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में इसके डालने वाली है हल्दी, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला लूँगी मैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, दही बताना मैं आपको भूल गई थी। ये देखिए मैं पूरा फुल एक कटोरी दही ले रही हूँ, इसमें देख सकते हैं आप 1 कप पूरा फुल ले रही हूँ मैं दही, ये मीठा दही है। मसाले डालने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से भुना है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटे, गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी। इसमें जो टमाटे मैंने ऐड किए हैं वो टमाटे अच्छे से नरम हो जाए ताकि गल जाए, इसलिए मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रखूंगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, देख सकते हैं आप, नमक मैंने 1/2 चम्मच लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बाद में ऐड करूँगी। टमाटे नरम हो गए हैं, मैं इसे अच्छे से भून लूँगी 1-3 से 4 मिनट तक। और साथ में मैं डालूँगी ये देखिए जो मसाला मैंने रेडी किया था, मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे मैं। साथ में मैं दही डालूंगी, इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो मसाले पककर खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। चलिए मैं इसे फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी धीमी आंच पर। वाह, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ही पक रहा है। अब मैं इसे इसकी आंच पर लगातार 5 से 6 से 7 मिनट तक इसे
पूरा अच्छे से भूनूंगी ताकि ये जो इसमें मैंने दही और प्याज सारे मसाले हैं बहुत अच्छे से भुने जाना चाहिए। चलिए ऐसे स्टेट पर भून रही हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से भुन रही है। इसमें सारे मसाले जो हमने ऐड किए हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं। इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ मैं, और इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुने गए हैं। इसमें जो मैंने ऐड किए थे दही हैं और टमाटे हैं और प्याज है, सारे चीज़ों मैंने बहुत अच्छे से भून दिए हैं। और तेल देख सकते हैं अब अलग सेपरेट नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस। अब मैं इसमें डालूँगी, देखो नमक थोड़ा कम नज़र आया इसलिए मैं थोड़ा सा 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक कभी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, खारा मत हो जाने दीजिए। बस अब मैं इसे 1 मिनट के लिए रखूँगी दम पे, इसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देख सकते हैं तेल कितना अच्छे से सफेद नज़र आ रहा है, अच्छे से पक कर रेडी है मटन कढ़ाई गोश्त। चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देख सकते हैं आप मटन कढ़ाई गोश्त रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है ये सालन। आप लोग भी बनाइए खाइए, इंशाल्लाह आप लोग मेरी ये भी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी। और इंशाल्लाह मैं आपको चिकन कढ़ाई मसाला भी बनाना बताऊँगी, बहुत ईजी है वो भी, आप लोग बनाइए इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।